नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीपन क्लासेज में। हम लोगों ने अभी पिछले कुछ वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ी है, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, और कुछ लोगों की विशेष मांग हो रही थी कि आप प्राचीन इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपके PCS के प्री के पेपर भी आने वाले हैं, फॉर्म भी आ गया, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्राचीन भारत को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। और पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, कितने देशों में फैलाव है, कितने स्थल हैं, कितने स्थानों का उत्खनन हुआ, पतन कैसा हुआ, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आज व्यवसाय क्या करते थे, सारी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताएं बताई गई। जैसे बताया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे बताया गया मिस्र की सभ्यता, और भारत में तो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता, या इसे सैंधव सभ्यता कहते हैं, या इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, इसे नगरी सभ्यता कहते हैं। तो कई उपमाएं इस सभ्यता को दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस सभ्यता के बारे में, कुछ चीज़ों की तुलना करा लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कई सारी चीज़ों की बात की गई। एक है स्थान का नाम क्या है, मेसोपोटामिया, और इस स्थान पर एक सभ्यता पाई गई, इसलिए क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और हमारी सभ्यता का नाम क्या है, सैंधव सभ्यता, या हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता, या इसे ही क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आते हैं हम लोग इसके बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सैंधव सभ्यता। इस सभ्यता में कहते हैं कि लगातार बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती हैं, इनमें समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक खास बात है, वो खास बात इस सभ्यता में है कि यहाँ की सभ्यता में इन लोगों को काहे का ज्ञान था, तो कांस्य का ज्ञान था। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, इन्हें किसके बारे में नॉलेज था, तो कांसा के बारे में विस्तृत रूप से जानते थे। ठीक उसी प्रकार हमारी सैंधव सभ्यता के लोग भी किसके बारे में जानते थे, कांसे के बारे में इन्हें पूर्ण ज्ञान था। यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों को भी कांसा के बारे में नॉलेज था, और सैंधव सभ्यता के लोगों को भी कांसे के बारे में नॉलेज था। दूसरी प्रमुख बात क्या है, मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो भवन पाए गए, कहीं पर कच्चे पाए गए, कहीं पर पक्की ईंटें पाई गई, यानी कच्चे कुछ मकान बने थे, कुछ पक्की ईंटों द्वारा बने हुए थे। तो यहाँ के भवन कैसे थे, भवन कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों के बने थे। अब भाई हम लोग देखते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसकी भी खास बात क्या थी। तो यहाँ के भी भवन कैसे थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था कहीं कहीं पर, और अधिकांशतया क्या था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या बातें हैं, एक दूसरे से मैच करती हुई बातें हैं। अब तीसरी प्रमुख बात क्या है, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, यानी इनके पास लिपि थी। तो हमारे पास भी क्या थी, सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों के पास भी क्या थी, लिपि थी। अब जानते हैं यहाँ पर जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, यहाँ के जो लोग थे, जो लोग थे वो क्या करते थे, इनके जो बर्तन हुआ करते थे या जिन बर्तनों को उपयोग करते थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे, अर्थात मृदभांड होते थे। तो इनके बर्तन कैसे होते थे, मिट्टी के बने होते थे। और मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए गए, तो हड़प्पा सभ्यता में भी क्या मिले, मनके मिले, अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले। यानी कि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेसोपोटामिया में भी थी और हड़प्पा सभ्यता में थी। तो ये कांसे को ये जानते थे, तो कांसे के यो भी जानते थे,
यानी कि ये जहाँ पे जो मेसोपोटामिया में पाया गया वही सारी चीज़ें कहाँ पाई गई, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता में पाई गई। तो दोनों सभ्यताओं में समानता पाई गई। अब बात आती है कि बहुत सारे विद्वान हैं, जॉन मार्शल, व्हीलर, कई सारे विद्वान हैं जो तो बड़ी समानताएं प्रकट की, लेकिन कुछ असमानताएं भी थी सभ्यता में। असमानताएं क्या थी, ये सारी बातें हम लोगों ने बात की कि है समानता की बात की, जो समानता किसमें मिल रही है, दोनों सभ्यताओं में। अब हम जानते हैं कि इसमें असमानता क्या थी। कुछ विद्वानों ने कहा कि भाई ये सारी चीजें समान ही नहीं बल्कि कुछ क्या है, असमानता ही पाई गई। असमानता दोनों में क्या थी, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें जो लिपि है इसमें 900 शब्द हैं, और जबकि हड़प्पा सभ्यता है इसमें लिपि के शब्द कितने हैं, 400। ये बड़ा अंतर है। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में 900 शब्द पाए गए हैं और यहाँ पर कितने पाए गए, कितने प्रकार के, 400 के प्रकार के। तो एक बड़ा अंतर है। दूसरी बात, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसकी नगर योजना से हड़प्पा की नगर योजना ये ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा सुव्यवस्थित थी, सुव्यवस्थित बसाया गया था। इनके सड़कें ज़्यादा चौड़ी थीं और सुव्यवस्थित थीं। इनकी नालियाँ हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया से ज़्यादा सुविधाजनक थीं, या जल निकासी की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी। तो कई सारी असमानताओं का भी होगा और कई सारी समानताएं भी होंगी सभ्यता में। तो पूछेगा, कई सारे विद्वानों ने यहाँ तक कहा कि जो सिंधु अर्थात सिंधु सभ्यता है वो एक उपनिवेश है। कहाँ पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ज़्यादा पुराना माना इन लोगों ने, और कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता ही उपनिवेश कहाँ किया गया, सिंधु सभ्यता पर उपनिवेश किया गया। अधिकांश विद्वानों ने इस मत को मान लिया कि सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता ज़्यादा प्राचीन मानी गई। अब जानते हैं कि जैसे हमने नाम सुना होगा आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि वैदिक सभ्यता थी, तो क्या वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है, क्या यही वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से कोई संबंध रखती है। इसके बारे में दो चार बातें कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली प्रमुख बात क्या आती है, जो सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी, इसकी प्रमुख बात क्या थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, और जबकि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान हो जाएगा, लोहे का ज्ञान था। तो वैदिक काल के लोग लोहे को जानते थे, और जबकि जो हड़प्पा काल के लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरी बात प्रमुख क्या है, जो वैदिक काल के लोग थे ये पशुपालन करते थे, कृषि पर निर्भर थे, पशुपालन करते थे और कृषि से करते थे, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन नहीं, व्यवसाय व्यापार करते थे। अगली बात, वैदिक काल के जो लोग होते थे उनके जो मकान होते थे वो उनके मकान या तो घास फूस के होते थे या बांस वगैरह के होते थे, लेकिन यहाँ पर कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे। तो यहाँ पर भवन निर्माण ही बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। इसके अलावा जो वैदिक काल के लोग होंगे वो यज्ञ करते थे और इंद्र, वायु और अग्नि की पूजा करते थे, और यहाँ पर क्या था, वैदिक काल में मूर्ति पूजा की चर्चा नहीं मिली है, परंतु यहाँ पर क्या था, मूर्ति पूजा की जाती थी, इसके प्रमाण मिले हैं, और मात्र देवी को पूजते थे। दूसरा अंतर क्या है, हड़प्पा काल के लोग जो थे इनका जो प्रमुख पूजनीय पशु था वो क्या था, वृषभ अर्थात बैल था, और जबकि वैदिक काल में क्या होगा, गाय होगी पूजनीय पशु, क्या होगी, गाय होगी। वैदिक काल के लोग घोड़े के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और इसका प्रयोग युद्ध में करते थे, लड़ाइयों में करते थे, जबकि इस पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी हमें घोड़े के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरी प्रमुख बात क्या है, तो कई सारी प्रमुख बातों में एक प्रमुख बात यह है कि वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, और जबकि इनके पास क्या थी, सिंधु सभ्यता के पास इनके पास लिपि थी, इन्हें लिपि का ज्ञान था, जबकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर मौखिक ज्ञान दिया जाता था,
और यहाँ पर लिखित ज्ञान भी दिया जाता था। तो एक बड़ा अंतर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता से सिंधु सभ्यता का कोई संबंध नहीं था। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता कहीं से संबंधित नहीं थी। अब जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था, इस बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा स्थान कहाँ पे, उत्तर में कौन था, दक्षिण में कौन था, पूर्व में कौन था, पश्चिम में कौन था। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहला जो उत्तर में स्थान था, सबसे उत्तर में, उस स्थान का नाम क्या है, मांडा। तो मांडा कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैप के अनुसार ही आप देखें तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर स्थित स्थान का नाम क्या है, मांडा, और दक्षिण में जो स्थित स्थान है उसका नाम क्या है, दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो उत्तर वाला स्थान मांडा और दक्षिण वाला दैमाबाद। अब ये दिशा आप जानते हैं कि पश्चिम है, और इस पश्चिम दिशा में क्या है, एक स्थान है पाकिस्तान में, उसका नाम क्या है, सुतका गेंडोर। नाम क्या है, सुतका गेंडोर। और बात करें हम लोग पूरब की, तो पूरब की अगर हम लोग बात करें तो पूरब पे एक स्थान है, उसका नाम क्या है, आलमगीर। आलमगीर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। तो हम लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं कि भाई इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो मांडा से लेकर दैमाबाद, एक एक प्रसार हो गया, कहाँ से कहाँ तक का विस्तार हो गया, उत्तर से दक्षिण का, और एक हो गया सुतका गेंडोर से आलमगीर का। तो ये विस्तार हो गया, पश्चिम से पूर्व का विस्तार हो गया। अब ठीक, हम लोग अगर देखें, ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की जो दिशा है वो हमें ज़्यादा लंबी प्रतीत होती है, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी थी, 1600 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी दूरी थी, 1600 किलोमीटर, यानी आलमगीर से लेकर सुतका गेंडोर तक की दूरी कितनी थी, 1600 किलोमीटर। और मांडा से लेकर दैमाबाद की दूरी कितनी थी, 1400 किलोमीटर, यानी ज़्यादा किस ओर लंबा था, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा था, और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 200 किलोमीटर कम थी। अब हम लोग देखें तो इसका प्रसार किस आकार में था, तो प्रसार का आकार देखें हम लोग, ये मांडा और ये सितका गेंडोर और ये आपका दैमाबाद, और इसके साथ साथ हम किसको मिलाते चलते हैं, आलमगीर को मिलाते चलते हैं। अगर आपको कैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है हमें, ये आकृति एक त्रिभुज की भांति दिखाई दे रही है, जिसका अर्थ है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था किस आकार में था, लगभग, पूर्णतया तो नहीं परंतु लगभग कैसा था, त्रिभुजाकार फैली हुई सभ्यता थी। आते हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं। तो सबसे पहली प्रमुख बात क्या है, मांडा से दैमाबाद की जो दूरी है वो कितनी थी, 1400 किलोमीटर है, और सुतका गेंडोर से आलमगीर की दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ये जो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, इसके क्षेत्रफल की अगर टोटल बात करें, एरिया इसका कितना था, तो 1,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछे क्षेत्रफल कितना था, तो 1,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी ये। तो बड़ी लंबी, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अगर बात करें तो ये क्या थी, सभ्यता थी। अगर हम लोग बात करें, ये सभ्यता मिस्र से और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को जोड़ दें, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर जोड़ दें, दोनों को जोड़ने पर भी लगभग कितनी थी, 12 गुना थी। यानी हमारी सिंधु सभ्यता का जो आकार था, जो क्षेत्रफल था, वो कहीं इन सभ्यताओं से कई गुना था। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के लगभग 12 गुने आकार में कौन सी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। यानी भारत में जो सभ्यता पाई गई वो कहीं विशाल फैली हुई थी, उसका आकार बहुत विशाल था। अगर बात करें मेसोपोटामिया से, तो लगभग 20 गुना बड़ी थी,
और दोनों को जब जोड़ देते हैं तब लगभग 12 गुना बड़ी थी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं अन्य स्थानों के बारे में, जानते हैं अन्य सारी चीज़ों के बारे में, तो आप इसे बिल्कुल नोट करते चलें। बांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरतम स्थान है, दक्षिण में दैमाबाद है, पश्चिम में सुतकागैंड और पूर्व में मेरठ है। लंबाई आपके सामने लिखी हुई, एरिया भी आपके सामने लिखा हुआ है। दोनों अंतर मैंने आपको क्लियर करा दिए थे कि मेसोपोटामिया में और सिंधु सभ्यता में क्या समानता है। इसके अलावा जो असमानताएं इसकी बात की थी, इसके अलावा वैदिक सभ्यता का कहीं से भी संबंध सैंधो सभ्यता से नहीं मिल पा रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रमुख नगर कौन थे। पहले प्रमुख नगरों को जान लेते हैं और फिर एक एक नगर के बारे में विस्तृत तौर से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नगर जानते हैं, तो पहले इसको हम रब कर देते हैं और आप लोग नोट कर चुके होंगे। सबसे पहले जानते हैं कौन से स्थान, जम्मू कश्मीर में कितने स्थान थे, हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों पर कौन से स्थान थे। तो ये तो आलमगीर आपका जो स्थान है, ये स्थान तो आपके बने ही रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन से स्थान थे, तो आप बिल्कुल जानते होंगे, बड़ा नाम सुना सबसे पहले हड़प्पा ही कहा गया, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो भाई आज के भारत से अलग दिखाई दे रहा है क्या हड़प्पा, ये इलाका किसका है, पाकिस्तान का, यानी हड़प्पा भारत में नहीं स्थित है। दूसरी बात, एक बड़ा नाम सुना है आपने, मोहन जोदड़ो, फिल्म भी आई थी अभी कुछ एक साल या डेढ़ साल पहले, मोहन जोदड़ो कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में। इसके अलावा एक स्थान का नाम है, बड़ा प्रमुख स्थान, वो भी है चौहुंदड़ो, तो चौहुंदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये भी कहाँ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में। सुतकागैंड आपने देख ही लिया कहाँ पर है, पाकिस्तान में है सुतकागैंड। अब एक स्थान गुजरात में आपने नाम सुना होगा, इसका नाम क्या है, धौला वीरा, और एक आपने सुना होगा लोथल। अक्सर पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह कौन था इस सभ्यता में, तो कौन था, लोथल था। इस समय उसे क्या बोलते थे, उस समय गोंदीवाड़ा, यानी बंदरगाहों क्या कहते थे, गोंदीवाड़ा। और गुजरात में एक स्थान का नाम है रंगपुर। तो गुजरात में आप देखें तो तीन प्रमुख स्थान, स्थान और हैं भी, लेकिन तीन प्रमुख स्थान है, कौन कौन से, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। इसके अलावा और देखते हैं, ये इलाका है राजस्थान का, राजस्थान में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और उसका नाम है कालीबंगा। आज भी यहाँ पर हनुमानगढ़ तहसील प्रसिद्ध है। तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके अलावा अन्य स्थानों को देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बनावली, बनावली एक स्थान का नाम है, राखी गढ़ी एक स्थान का नाम सुना होगा आपने, पंजाब प्रांत में पड़ेगा, नाम होगा रोपड़, क्या नाम है, रोपड़। बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया, मांडा हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीर हो गया, दैमाबाद हो गया, धौलावीरा, सुतकागैंडोर, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, हड़प्पा, कई सारे स्थल हो गए। अब ये स्थल कहाँ पर स्थित हैं और ये किन नदियों के पास स्थित हैं, किन नदियों के तट के किनारे स्थित हैं। तो सबसे पहला स्थान जो है वो हमारा है मांडा, और इस पर आप बिल्कुल नोट करते रहें। आप मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, भारत में है। यहाँ पर एक नदी बहती, नदी का नाम क्या है, चिनाब। तो चिनाब नदी के किनारे कौन सा स्थल है, मांडा स्थल, स्थल कहाँ पर है, चिनाब नदी किनारे। यहाँ से एक बड़ी नदी आती है, आती तो मानसरोवर झील से है, यहाँ पर है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से एक नदी आती है, उसका नाम क्या है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के एक तट पर क्या है, मोहनजोदड़ो है, और एक तट पर क्या है, चौहुंदड़ो है। तो नदी बहती हुई कहाँ गिरेगी जाकर, अरब सागर में, और मैं भी अरब सागर की दिशा में चल रहा हूँ, ये भी मेरी दिशा जो है, मैं जा रहा हूँ अरब सागर की ओर। तो मेरा जो बायां है वो नदी का बायां, और जो मेरा दायां वो नदी का दायां, इस आधार पर हम लोग देख लेते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि सिंधु नदी के किस तट पर मोहनजोदड़ो है, तो सिंधु के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो और बाएं तट पर चौहुंदड़ो स्थित है।
दोनों स्थल एक ही नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? दाएं पर, और चौंदड़ो कहाँ पर है? बाएं तट पर है। इसके अलावा यानी हम बात करें तो बात प्रमुख रूप से क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सीधे तौर पर बात करते हैं सिंधु नदी पर। चौंदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? प्रमुखता से याद रखना ये कहाँ पर है? रावी नदी किनारे। आपसे पूछेगा सुतका गैंडोर, ये सुतका गैंडोर किस नदी किनारे है? तो यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है दास्क नदी। तो दास्क नदी किनारे कौन सा है? सुतका गैंडोर, धौलावीरा, लोथल, ये जो स्थल हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये इलाका क्या है? कच्छ की खाड़ी। और ये दोनों स्थल कहाँ पर स्थित हैं? कच्छ की खाड़ी पर। और दोनों स्थल एक ही नदी पर हैं। नदी का नाम क्या है? भोगवा। यानी भोगवा नदी किनारे पर कौन से स्थल हैं? तो गुजरात के दो स्थल हैं, धौलावीरा और लोथल। दूसरा स्थान है यहाँ पर एक प्रमुख, उसका नाम है रंगपुर। तो रंगपुर किस नदी किनारे है? यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? भादर नदी। तो भादर नदी के किनारे क्या है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? खम्बात की खाड़ी पर स्थित है। लोथल कच्ची खाड़ी पर है, प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख बंदरगाह है। धौलावीरा कहाँ पर है? कच्ची खाड़ी पर स्थित है। दैमाबाद ये किस नदी पर है? तो यहाँ पर एक नदी बहती है, बड़ी नदी है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम क्या है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी किनारे कौन सा स्थल है? दैमाबाद, जो सबसे क्या है, इस सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। आलमगीर कहाँ पे है? मेरठ में। किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी। नदी का नाम क्या है? हिंडन नदी। अब देखते हैं भाई, हम लोगों ने गंगा के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? हिंडन। और हिंडन किसके सहायक अगर पूछी जाए तो यमुना की सहायक नदी है। कालीबंगा यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? घग्घर नदी। घग्घर नदी और एक है घाघरा नदी, दोनों में बड़ा अंतर है। घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, राजस्थान बहती है और गुजरात में भटनेर के इलाके में विलुप्त हो जाती है, यानी समुद्र तट तक ये नहीं पहुंच पाती। तो घग्घर के किनारे दो स्थान हैं, एक है राखीगढ़ी और एक है कालीबंगा। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? घग्घर नदी किनारे। और ये बनावली किस नदी किनारे है? बनावली किस नदी किनारे है? तो इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी किनारे कौन सा स्थल है? तो बनावली स्थित है। इसके अलावा रोपड़ कहाँ पे पूछेगा? तो सतलज नदी किनारे। तो सतलज के किनारे कौन सा स्थल है? रोपड़। तो सारे स्थान हो गए। फिर से एक बात पुनः देख लेते हैं, मांडा, चिनाब नदी, आप कालम बना सकते हैं, आप तीन कालम बनाइए, एक तरफ स्थान का नाम लिखिए, एक कालम पर नदी का नाम लिखिए और एक स्थान पर कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। तो मांडा स्थान का नाम क्या है? मांडा। नदी के कालम पे आप क्या लिख सकते हैं याद करने के लिए? आप चिनाब। और कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक स्टेप पूरा, दूसरे स्टेप पे रोपड़। रोपड़ स्थान का नाम क्या है? रोपड़। नदी का नाम क्या है? सतलज। कहाँ पर है? तो पंजाब प्रांत में। राखीगढ़ी किस नदी किनारे है? घग्घर नदी किनारे है, राज्य का नाम हरियाणा है। बनावली नदी का नाम सरस्वती, स्थिति हरियाणा। कालीबंगा नदी का नाम घग्घर, राज्य का नाम राजस्थान। आलमगीर हिंडन नदी, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। दैमाबाद नदी गोदावरी, स्थान का नाम महाराष्ट्र। रंगपुर भादर नदी, स्थान का नाम गुजरात। लोथल नदी का नाम भोगवा और स्थान का नाम गुजरात। धौलावीरा नदी का नाम भोगवा, स्थान का नाम गुजरात। सुतका गैंडोर नदी का नाम दास, स्थान साफ दिखाई दे रहा है कहाँ पर है? भारत पर नहीं है, पाकिस्तान।
हड़प्पा नदी रावी स्थान का नाम पाकिस्तान, चहुंदड़ो नदी का नाम सिंधु और स्थान का नाम पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो नदी का नाम सिंधु स्थान का नाम पाकिस्तान। तो ये सारी जो प्रमुख स्थान हैं सिंधु सभ्यता के, इनके बारे में किस नदी किनारे, इतना हम लोगों ने अभी अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा अब हमें अध्ययन की बारी है कि इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि ये जो सभ्यता है इसके जो महानगर हैं इन महानगरों की खास बात क्या है, प्रमुखता क्या है, उत्खनन का काम किसने किया। तो सबसे पहली बार हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि ये जो सभ्यता थी इसमें एक लड़का था, उस लड़के का नाम था चार्ल्स मैरसन नाम का एक लड़का था। उसने पहली बार एक बात बताई कि एक टीला दिखाई दे रहा है, उस टीले का उसने नाम क्या बताया था, हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीला दिखाई दे रहा है। ये बात बताता है 1826 में, बात कहता है चार्ल्स मैरसन कि एक टीला है जिसका नाम क्या दे देगा, हड़प्पा का टीला कहेगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि एक रेलवे लाइन, रेलवे पटरियां बिछाई जा रहे हैं तो पटरी बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, उस खुदाई में दो भाई थे जॉन बंटन और विलियम बंटन। इन दोनों भाइयों ने जब खुदाई की तो भूमि से कुछ ईंटें निकले, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ खास बात है इन स्थान पर। और इसका जो उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ वो बाद में प्रारंभ होगा, लेकिन 1856 में दो भाई बता देंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ है, सभ्यता जीवंत है। इसके पश्चात एक व्यक्ति आएगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा भारत में, उसका नाम था लॉर्ड कनिंगम। वो जब भारत में आया था तो उसने अपने खुद के रुपयों से, अपने खुद के पैसे से सारनाथ में खुदाई करवाई थी। तो एक बड़ा पुरातत्व विभाग के बारे में बड़ा विद्वान होगा, एक अंग्रेजों के समय आया हुआ एक इंजीनियर था। तो पूछा जा सकता है, अक्सर बड़े उत्खनन कार्य करवाएगा, बड़ा जानकार था, तो पूछे आपसे कि भाई भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कौन था। तो जनक आपसे पूछे जनक कौन था, लॉर्ड, वही लॉर्ड कनिंगम था भारत में पुरातत्व विभाग का जनक। जबकि एक प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जा रहा है, तो श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को, जिसने 1904 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इनके अलावा हम लोग एक एक स्थल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं कि इसकी खास बात क्या थी, हड़प्पा की खास बात क्या थी, मोहनजोदड़ो की खास बात क्या थी और आलमगीर की खास बात क्या थी, कहाँ से हमें युगल सौदाहन मिला, कहाँ पे हमें लिपस्टिक मिली, कहाँ पाउडर मिला, कहाँ पर हमें घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए, कहाँ पर जूते हुए खेत पाए गए। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रमुख बात है कि आप लोग वीडियो को देखें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आप ये कक्षाएं निरंतर चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि इसको ऑनलाइन देखें। और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो उसको लाइक भी करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके आगे लगातार कंटिन्यू वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, और आपको विधिवत तरीके से, आपको क्रमबद्ध तरीके से और एक विस्तार पूर्वक आपको लगातार अध्ययन के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप लोगों का धन्यवाद।